नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं नमक पारी का रेसिपी। नमक पारी ऐसे एक चीज़ है जो सबको पसंद आता है, बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आता है। आप इसको चाय में भी ले सकते हैं और कुछ भी मतलब नाश्ते पे भी ले सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार रेसिपी को। और मैं एक बोल ले लिया हूँ और उसमें 2 कप मैदा डाल दिया हूँ और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल लिया हूँ। कस्तूरी मेथी आपको अगर पसंद आए तो डालिए, नहीं आए तो मत डालिए, लेकिन इसका फ्लेवर भी बहुत टेस्टी आती है। तो इसके बाद मैं 1 चम्मच अजवाइन ले लिया हूँ और इसके बाद उसको हाथ से मल के उसमें डाल दिया हूँ। और 1 चम्मच में कलौंजी दिया हूँ। कलौंजी आप ज़रूर डालिएगा, उसका भी फ्लेवर बहुत टेस्टी आती है और बहुत मज़ेदार भी लगती है। और इसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दिया हूँ और उसको थोड़ा सा मिला लिया हूँ। और अभी मैं 1 चम्मच घी डाला हूँ और घी डालने से खस्ता और बहुत मतलब कुरकुरे बनते हैं। अगर घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप तेल भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसको सारे चीज़ को मिला लेते हैं। और ये देखिए मैं मिला रही हूँ, आप थोड़े से मिला लीजिएगा घी से, वो आटा सारे मिलना चाहिए, अच्छे से मिला लीजिएगा। और इसको अभी हम लोग डो बनाएंगे। डो अपना पूरा टाइट डो बनाएंगे, पतला नहीं बनाएंगे, पूरा अच्छी मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाइए। और जैसे आपका डो पतला नहीं बनेगा, आप जो रोटी बनाते हैं ना उससे भी टाइट डो बनाना चाहिए। तो डो बन गया हमारा, टाइट हो गई, उसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दिया था। और ये देखिए इसके बाद मैं अभी थोड़ा सा उसको और हाथ से मल लूँगी और इसके बाद फिर इसको 2 पेड़ा बना दूँगी। और बस अभी 2 पेड़ा मैंने बना दिया हूँ और थोड़ा सा उसको रोल कर देंगे गोल गोल। कोई शेप नहीं देना है हमें, खाली इसको अभी बेलेंगे। थोड़ा सा मैदा नीचे से छिड़क लेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से बेल देंगे। मैं इधर थोड़ा लंबा लंबा कट करूँगी, आपको जो भी पसंद आए वो वाली कट कीजिएगा। और ये देखिए रोटी से भी थोड़ा मोटा रखा हूँ मैं, ज़्यादा पतला नहीं मिलेंगे। और इस छुरी से लेके मैं काट रहा हूँ। अगर आपको पास से पिज्जा जो कटिंग करते हैं वो वाला है तो आप उसमें भी कट कर सकते हैं। और ये देखिए आप उसको पूरा पतला पतला भी काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा हल्का मोटा रख के भी काट सकते हैं। आपके हिसाब से आप कुछ भी शेप दे सकते हैं उसको, लेकिन टेस्ट तो बहुत मस्त आता है इसका। और अगर आप इसको मतलब फ्राई करना नहीं चाहते, ओवन में बना सकते हैं ओवन में। और ये देखिए सब मैंने काट लिया हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं उसको। और ये देखिए उसको एक एक करके मैं निकाल दिया हूँ। और ऐसी भी फ्राई करेंगे तो सारे तेल में भी एक एक हो जाएगा। तो अभी तेल में मीडियम साइज में रख दिया, मतलब गरम किया हूँ। और उसको ऊपर सारे जितना मैंने अभी कट किया था ना सारे डाल दिया हूँ। और आप उसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा और जितना भी है ना उसको भी थोड़ा सा मैंने कट किया हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी कलर भी आ गई है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। जो भी मैं नया वीडियो डालूँगी सारी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और ये देखिए मैंने अभी सब निकाल दिया हूँ और जितना भी था ना उसको भी डाल दिया हूँ। और जितना इंग्रेडिएंट्स मैं लिया हूँ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उधर से चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए मैं इसके ऊपर ऐसे डाल रहा हूँ, आपका आवाज़ आ रही है ना कितनी मस्त कुरकुरे बने हैं। ये देखिए प्लीज़ प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसको बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं और आप चाय भी ले सकते हैं। बाय बाय।